हमारे साथ मालिनी अवस्थी जी हैं, मशहूर गायिका। मैम आपने भी वोट डाला और आपका तो ये बताइए कि आप एक मशहूर गायिका हैं जो कि आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? नहीं, मैं गायिका हूं और मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि विगत एक दशक इलेक्शन कमीशन ने मुझे भी इस पुण्य कर्म से जोड़ा, जहां पर उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के काम में थे, तब लोग बहुत सारे गाने जोड़ जोड़ करके गाते थे और मुझे लगता है वो आज भी वो गाने ऐसे सामूहिक हैं, ऐसे प्रासंगिक हैं, आज भी अपने कार्यक्रमों में उनको गाती हूँ और आज भी मैं यही गाना चाह रही हूँ कि अरे जागो देश के मतदाता, अरे जागो देश के मतदाता, अरे जागो मोरी सखिया रे सहेलिया रे, जागो रे जागो मोरी बहिनी रे भैया रे, जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। मालिनी जी, भोजपुरी फ्लेवर आपका बड़ा पसंदीदा होता है और आप उसके लिए और अवधि भी उसके लिए आप बहुत पसंद भी की जाती है। जी जी जी, नहीं देखिए आंचलिक गीतों में सबसे बड़ी बात यह कि जन से जुड़ाव होता है। लोक कलाकार जब आप किसी को बोलते हैं तो उसका काम ही होता है जनता को जगाने का, झकझोरने का, कहीं ना कहीं अपनी बात उस तक पहुंचाने का, उसकी बात समाज तक पहुंचाने का, वो समाज की प्रतिध्वनि होता है। तो एक इतना गंभीर मुद्दा कि वोट कैसे डालें, यदि कलाकार अपनी बातों को यदि गाने में पिरो कर कहें तो बड़ी रोचक बनती। जैसे मैंने गाना मैं गाती हूँ, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डारे काहे नाही जात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डारे काहे नाही जात हो। लाइन लगने में, और मैं आपको बता दूं कि अब की बार लंबी लाइन में हमें लगना पड़ा और इतना सुख मिला इस लाइन में लगकर, क्योंकि मुझे याद नहीं कि इस बूथ पे हम लोग पिछले कितनी बार से वोट डालने आ रहे हैं, इतनी लंबी लाइन मैंने कभी नहीं देखी। तो लाइन लगने में काहे लजात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, थोड़ी मेहनत से काहे घबरात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डाले काहे नाही जात हो। तो यही कहना चाहूंगी, अभी भी यदि घर में बैठे हैं वोट नहीं डाला है तो घर से निकलिए, वोट डालिए देश के लिए, समाज के लिए।